केंद्रीय बजट को लेकर बक्सर तमाम बुद्धिजीवी व्यवसायी तथा नेताओं ने अपनी राय दी है। किसी ने बजट को लाभकारी तो किसी ने केवल केवल झूठे वादों वाला और निराशाजनक बताया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को पेश की। अब इस बजट को लेकर लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बजट जो है जनता के हित में आया है, क्योंकि इसमें 9% कस्टम ड्यूटी हट गई है, क्योंकि सोने का रेट 75,000 रुपए 10 ग्राम था, अब सोने का रेट 64,000 रुपए 65,000 रुपए हो गया है। 10 ग्राम तो 6-7,000 रुपए सीधा कम हो गया है, जिससे कि मार्केट में चहल पहल इतनी है कि कस्टमर आ रहा है, सोने के ऑर्डर दे रहा है और सोना भी परचेज कर रहा है, क्योंकि सोना 75,000 से 64,000 रुपए आने एक बहुत बड़ी बात है। 9% कस्टम ड्यूटी जो सरकार ने हटाई है कस्टमर के हित के लिए ऐसा हुआ है और मार्केट में काफी चहल पहल है और लोग सोना खरीद रहे हैं और व्यापार हित में 9% कस्टम ड्यूटी हटी है, क्योंकि सोना घटेगा तो मार्केट में कस्टमर दिखेगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट इस बार दिया है, मुझे लगता है कि एक एथिकल बजट है, अच्छा बजट है और इसमें सारी चीज़ों का समावेश है। जहां एक तरफ रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, उसी के अनुपात में कृषि बजट को भी बढ़ाया गया है। युवाओं के लिए जो एक अच्छी स्कीम लाए हैं कि हर साल स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ जो युवा होंगे उनको, जो बड़ी कंपनीज हैं कंट्री की, उनको सरकार एक तरीके से इंटर्नशिप कराएगी। बहुत ही नई सोच के साथ युवाओं को प्रेरणा देने वाला ये बजट है। और उसके अलावा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, रेलवेज है उसमें, हाईवेज हैं, सारी चीजें हैं, तो मैं इस बजट की तारीफ करता हूं। जो कल बजट आया है, देखिए बजट को लेके बहुत सारी बातें हर आदमी अपने अपने स्तर पे कह रहा है, हर व्यापारी कह रहा है, बजट हर साल आता है, लेकिन मेरा अपना मानना है सिर्फ कुछ ऊपर बड़ी घोषणाओं या इस स्लेब में जो इनकम टैक्स स्लेब है उसमें छूट देने से व्यापारी हित के लिए कभी काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे व्यापारी आज जो है सुसाइड कर रहा है, दुकानें बंद कर रहा है, दूसरे शहर जाने पे मजबूर हो गया है। व्यापारी के लिए कोई भी ग्राउंड पे कोई भी सरकार जितनी आई चाहे अभी की है, शासन प्रशासन व्यापारी हित के लिए कोई काम नहीं करता है, बल्कि व्यापारी के टैक्स से ही पूरा देश आज चल रहा है। शासन प्रशासन की तनख्वाह निकलती है वो व्यापारी के टैक्स से निकलती है, लेकिन व्यापारी को आदमी भूल जाता है और कोई व्यापारी के अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है उसको ऐसा महसूस करते हैं सरकार द्वारा कि यही सबसे बड़ा चोर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ व्यापारी के लिए हित के लिए हमारा जो संगठन है वो ग्राउंड पे वर्क कर रहा है धरातल पे, और जो व्यापारी के लिए मैं चाहता हूँ सरकार से एक अलग पैकेज होना चाहिए, एक ताकि व्यापारी को राहत मिल सके अपना व्यय करने में। कुछ चीजों पे तो बजट छोटे कारोबारियों के हित में भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बजट खराब है या बजट बिल्कुल वैसा है। बजट एक तरह से संतुलित करने की कोशिश करिए, हालांकि नहीं कर पाए वो अलग मैटर है, लेकिन संतुलित करने की कोशिश करिए। छोटे कारोबारियों को फायदा भी है, कई चीज़ों में रिबेट मिली है, कई चीज़ों में छूट मिली है, तो छोटे कारोबारियों को इसमें फायदा भी है। ऐसा नहीं है कि बजट बिल्कुल खराब है। सबसे ज़्यादा सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसमें विशेष ध्यान दिया है और सामान्यतः जो है ये आम लोगों के हित में बजट है, और जिसमें सब मेन चीज़ है बेरोजगारी का जो उन्होंने मुद्दा रखा है, बेरोजगारों को रोजगार देने का और पहाड़ में ले जाने का प्रावधान है, तो इसमें।